नंबर 9 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8, उसमें हमें 10 b/a/2 दे रखा था, एक अप्रूव करना था कॉट सी बाई टू, इसमें क्या दे रखा हमें कॉसेक ए प्लस सी बाई टू, प्रूव करना है सेक बी बाई टू। ठीक है, तो फिर से ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, फिर टू से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई टू बोथ साइड, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180/2, ये तो हो जाएगा 90। अब कैसे इसको हम सेपरेट करें, बाइफिकेट करें, वो आंसर क्वेश्चन देखें। यहाँ पे क्या है ए प्लस सी बाई टू, तो ए प्लस सी बाई टू अलग, और यहाँ पे क्या है बी बाई टू, तो बी बाई टू अलग। ठीक है, ए प्लस सी बाई टू ऐसी, और बी बाई टू जाके क्या हो जाएगा 90 से माइनस। ठीक है, अब क्या लेना है यहाँ देख के, यहाँ पे क्या लिखा हुआ कॉसेक, तो दोनों तरफ क्या लेंगे कॉसेक। ठीक है, इसको देख के लेना है, यहाँ पे जो होगा वो लेना है दोनों साइड, अगर यहाँ कॉसेक है तो दोनों तरफ कॉसेक लेंगे, यहाँ टेन है तो टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, यहाँ साइन है तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉसेक ऑन बोथ साइड, तो कॉसेक लिया, तो कॉसेक ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो कॉसेक ए प्लस सी बाई टू तो ऐसी, अभी कॉसेक क्या है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा कहता है सेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा तो क्या देगा सेक थीटा, तो सेक और थीटा क्या है बी बाई टू, तो ये आपका आंसर है।